तो नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल वर्ड इसके पहले सुना होगा तुमने. म्यूचुअल वर्ड कहां पे सुना है? हम बोलते हैं ना फेसबुक पे, बोलते हैं ये तुम्हारा कोई भिखारी दोस्त है तो उसका भी जो दोस्त होता है उसको बोलते हैं म्यूचुअल फ्रेंड है ना. तुम्हारा एक अगर कोई भी दोस्त है तो उसके जो दोस्त होते हैं जिनसे हम डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते लेकिन फिर भी उनको वैसे दिखाता है म्यूचुअल फ्रेंड्स है. म्यूचुअल फ्रेंड मतलब डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड है. तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ कहानी है कि किसी भी एक क्वायल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा बिकॉज ऑफ अनदर क्वायल. जैसे यहाँ पे मान लो हमारे पास दो क्वायल्स है, ये हमारा प्राइमरी क्वायल है एंड देयर इज अ सेकेंडरी क्वायल. ठीक है, अब अगर मैं प्राइमरी कॉल, ये फर्स्ट कॉल, ये हमारा प्राइमरी कॉल, दिस इज द सेकेंडरी कॉल. अगर मैं फर्स्ट कॉल को बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं बैटरी लगाता हूँ इसमें करंट फ्लो करेगा एंड ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट ये फर्स्ट कॉल मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा. इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड, गेट्स लाएगा करंट कैरिंग कॉल. तो फर्स्ट के क्रॉस तो सेल मतलब फर्स्ट के क्रॉस तो फ्लक्स आया लेकिन सेकंड में भी देखो यहाँ पे सेकंड कॉल के क्रॉस भी फ्लक्स आ रहा है. ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज दैट सेकेंडरी कॉल इज प्लेस क्लोजर टू द प्राइमरी कॉइल. ये सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी के पास में, इसलिए यहाँ पे भी फ्लक्स पास कर रहा है, मतलब सेकेंडरी में भी फ्लक्स है. अब इसमें अगर करंट चेंज होगा, अगर प्राइमरी कॉइल में मैं करंट चेंज करता हूँ तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स चेंज होगा. जबकि सेकेंडरी के पास कोई बैटरी ही नहीं है, मतलब यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है ही नहीं, इसमें कोई करंट हमने सप्लाई नहीं दिया. सेकेंडरी कॉइल में हम कोई करंट की सप्लाई नहीं दे रहे. ठीक है, यहाँ पे हम बैटरी कनेक्ट किए प्राइमरी कॉइल को. So, प्राइमरी कॉइल में करंट आया ड्यू टू करंट गेट्स मैग्नेटाइज. व्हेन इट गेट्स मैग्नेटाइज तो प्राइमरी के अंदर तो फ्लक्स आया, सेकेंडरी के अंदर भी फ्लक्स आ गया बिकॉज ये इसके बगल में है. अब अगर सेकेंडरी में फ्लक्स आ गया तो यहाँ पे भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, यहाँ पे सेकेंडरी के क्रॉस भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा. अब जो हमारा पहला कॉइल है ये तुम्हारा सेल्फ इंडक्शन होता था कि कोई भी कॉइल को अगर बैटरी से कनेक्ट करते हो तो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस दैट कॉइल ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. तो इसमें जो अपना हो रहा है इसका अपना खुद का करंट की वजह से, इसका तो अपना सेल्फ इंडक्शन है लेकिन इसमें इसका खुद का करंट है ही नहीं. वो करंट कहां से आ रहा है? वो फ्लक्स कहां से आ रहा है? प्राइमरी के फ्लक्स को यूज कर रहा है. तो देयर इज एन ईएमएफ व्हिच इज इंड्यूस्ड अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल. यही हमारा क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन. इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन. ईएमएफ इंड्यूस्ड इसमें सेकेंडरी के क्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है दैट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अक्रॉस प्राइमरी कॉइल. प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हुआ जिसकी वजह से सेकेंडरी में भी डिस्टर्बेंस आ गया, फ्लक्स में चेंजेस आ गया. सो एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस सेकेंडरी. म्यूचुअल का मतलब यही होता है कि डायरेक्ट नहीं. क्लियर? जैसे तुम्हारा कोई डायरेक्ट फ्रेंड है तो उसको म्यूचुअल फ्रेंड नहीं बोलते. जो तुम्हारे दोस्त का दोस्त होता है वो तुम्हारा क्या होता है? म्यूचुअल फ्रेंड. क्लियर? जैसे देखा ना फेसबुक पे एक हमारा कोई टपोरी दोस्त है, उसके 50 टपोरी दोस्त हैं तो सब दिखाता है म्यूचुअल फ्रेंड है. मतलब वो हमसे डायरेक्टली, उसको हम जानते भी नहीं, फिर भी ऐसा इनडायरेक्टली वो कनेक्ट करता है अपना व्यापार बढ़ाने के लिए. सो वही होता है म्यूचुअल. हमारा म्यूचुअल मतलब देयर इज एन ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अक्रॉस प्राइमरी. प्राइमरी में कोई करंट नहीं, कोई सप्लाई नहीं. प्राइमरी में सप्लाई, सेकेंडरी में कोई करंट नहीं, कोई बैटरी नहीं, लेकिन फिर भी फ्लक्स है वहां, तो वही फ्लक्स को यूज कर रहा है. मान लो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे रूम में बैठ के पढ़ रहा है, तुम्हारा रूम है, तुम्हारा कमरा है, तुम्हारा ट्यूबलाइट है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे बगल में वो भी बैठ के पढ़ रहा है, तो बेसिकली तुम्हारा सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा है. क्लियर? तो वो ऐसा क्यों यूज कर पा रहा है? बिकॉज वो तुम्हारे बगल में बैठ के पढ़ रहा है, तो वो तुम्हारी ट्यूबलाइट यूज कर रहा है, तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारी बुक्स यूज कर रहा है, ऐसा तो उसका भी काम हो जा रहा है, तो वो भी पढ़ लिया. लेकिन उसने यूज सब किया किसका? तुम्हारा. तो उसका अपना खुद का नहीं था लेकिन फिर भी उसने यूज किया. तो ऐसा हो जाता है यहाँ पे इसके बगल में होने की वजह से. प्राइमरी में तो फ्लक्स आया बट देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल. तो वो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन. ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अक्रॉस प्राइमरी. प्राइमरी में करंट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज हो रहा है. एंड दैट ईएमएफ व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स दैट इज व्हाट फैराडेज लॉ इज. व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. हियर ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अक्रॉस प्राइमरी. प्राइमरी में करंट चेंज होगा तो सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज होगा. सेकेंडरी फ्लक्स चेंज होता है तो एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. क्लियर? तो ये हमारा सेकेंडरी कॉइल, हमारा प्राइमरी कॉइल. सो यार ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अक्रॉस प्राइमरी. दैट इज व्हाट म्यूचुअल इंडक्शन इज. ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ
करंट अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, सो ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अक्रॉस प्राइमरी कॉइल। ये मैं चाहो तो मेरे साथ नोट करते जाओ। So, EMF induced across secondary coil due to rate of change of current across primary coil. और ऐसा हो इसीलिए रहा है बिकॉज प्राइमरी के बगल में सेकेंडरी, ऐसा नहीं कि सेकेंडरी को अलग जगह बहुत दूर ले गए तब फिर नहीं ऐसा होगा, जब पास में रहेगा तो ही ऐसा होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारे पापा का जो पैसा है वो तुम्हारा इंडायरेक्टली तुम्हारा ही है ना, तुम्हारे पापा जितना अर्न करेंगे वो बाद में सब तुम्हारा ही हो जाएगा, तो तुम्हारा हो जाएगा ना, मेरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे पापा है, तो तुम तो वो मेहनत वर्क नहीं कर रहे हो, तुम तो जॉब नहीं कर रहे, तुम्हारे पापा जॉब कर रहे हैं, लेकिन अब तुम उनके बेटे हो तो वो भी इनडायरेक्टली तुम्हारा ही है, तो जितना तुम्हारा पापा का बैंक बैलेंस है वो तुम्हारा भी म्यूचुअल बैंक बैलेंस है। ठीक है, जबकि तुम तो वो नहीं, अभी तो तुम वो अर्न नहीं कर रहे, वो तो तुम्हारे पापा अर्न कर रहे हैं, लेकिन है तो वो तुम्हारा ही बाद में। क्लियर? अगर घर पे रहोगे तो ऐसा नहीं कि घर लड़की चक। हाँ हाँ हाँ, डिपेंड करता है, वो डिक्रीज करता रहता है। मतलब ऐसा कुछ फिक्स हो, वो डिपेंड करता है उसके हर एक मैग्नेट के मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अब इसी का रेंज कहां तक जाएगा वो डिपेंड करेगा इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि ऐसा फिक्स नहीं बोल सकते ना, इतने सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा। इसमें करंट बढ़ा दोगे तो और आगे जाने लगेगा, फिर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे, वो उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि वो कितने लॉन्ग डिस्टेंस तक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा इफेक्टिव, उसके बाद वो डिक्रीज करते रहता है फिर नेग्लेक्सिबल हो जाता है। क्लियर? सो ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अक्रॉस प्राइमरी, दैट इज व्हाट म्यूचुअल इंडक्शन इज। तो यहां पे हम ईएमएफ सेकेंडरी के अक्रॉस ईएमएफ है, दैट इज ई टू, E2 is directly proportional to di1 by dt. The EMF induced across secondary coil due to rate of change of current across primary, di1 by dt. तो EMF secondary में induced हो रहा है और current किसमें change हो रहा है? Primary current में. तो E2 is directly proportional to di1 by dt. यहाँ पे हम इस proportionality को हटा के constant से multiply करेंगे. So what we can write? E2 is equal to m di1 by dt. So E2 is equal to m di1 by dt, where I1, जो I1 हमारा first का rate of change of current है, मतलब first में किस rate से current change हो रहा है? नहीं नहीं, m यहाँ पे mutual inductance है, mutual inductance। अब ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये डिपेंड करता है दोनों, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ बोथ द कॉइल्स, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ बोथ कॉइल्स, जो दोनों कॉइल उनके नंबर ऑफ टर्न्स पे ये एम डिपेंड करता है। अगर हम लेंथ, इसका यूनिट है, यूनिट इज हेनरी, हम इसको हेनरी में मेजर करते हैं, और अगर हम यहां पे लेंज लॉ अप्लाई करते हैं, बिफोर अप्लाइंग लेंज लॉ देन व्हाट यू कैन राइट, माइनस एम डी आई वन इज व्हाट ई टू डी आई वन बाई डी टी। सो करंट बेसिकली फर्स्ट में जो हमने करंट को चेंज किया, फर्स्ट कॉइल बैटरी से कनेक्टेड है तो फर्स्ट कॉइल का ही करंट चेंज हो रहा है, मतलब डी आई वन फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज हुआ, इससे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है फर्स्ट और सेकेंड दोनों में चेंज होता है। Due to change in the current across the primary coil में current change हुआ तो उससे primary में तो field change हो ही रहा है, secondary में भी field change हो जाता है। Due to change in field across primary, यहाँ पे flux change होगा d phi one, and here change in flux is what d phi two. Then the EMF which is induced is what e one, and here it is e two. तो primary में जो EMF induced होगा that is e one, और secondary में जो EMF induced है that is e two. हाँ, अरे लेंज लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस पुट कर सकते हैं ना, क्लियर? तो ये हमारा ड्यू टू चेंज इन करंट अक्रॉस
प्राइमरी प्राइमरी में करंट चेंज हुआ तो प्राइमरी में फील्ड चेंज हो रहा है, सेकेंडरी में फील्ड चेंज हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन फील्ड अक्रॉस प्राइमरी दैट इज अ चेंज इन फ्लक्स अक्रॉस प्राइमरी एंड एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस प्राइमरी कॉइल दैट इज ई1। अब यहाँ पे सेकेंडरी के अक्रॉस भी फील्ड चेंज होगा बिकॉज सेकेंडरी प्राइमरी के पास में है, सेकेंडरी के अक्रॉस फ्लक्स भी चेंज होगा एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। सो दैट इज व्हाट म्यूचुअल इंडक्शन इज, द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अक्रॉस प्राइमरी कॉइल। ठीक है, अब चलो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे कि वो कैसे नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। तो अगर सपोज मैं दो क्वाइल्स लेता हूं, यहां पे अपने पास एक बड़ा प्राइमरी कॉइल है और उसके अंदर एक सेकेंडरी कॉइल भी है। दिस प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड विद द बैटरी, जो ऊपर वाला कॉइल है वो बैटरी से कनेक्टेड है। अब उसके अंदर मैंने एक सेकेंडरी कॉइल लिया है, तो अगर प्राइमरी कॉइल मैग्नेटाइज्ड हो गया, ऊपर वाला बड़ा वाला कॉइल मैग्नेटाइज्ड हो गया, तो नीचे वाला अंदर वाला तो अपने आप उस जितना मैग्नेटिक ऊपर वाले का फ्लक्स है वो पूरा का पूरा फ्लक्स इसमें से पास करेगा सेकेंडरी कॉइल। बट मैंने नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट लिया, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट है। सो सपोज ये कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और इधर नंबर ऑफ टर्न्स N2। तो जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी में करंट फ्लो किया तो ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर देता है अपने सेंटर पे। एम्पीयर्स लॉ से हम लोगों ने उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया था, दैट प्राइमरी कॉइल इज मैग्नेटाइज्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। सो वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, इस बड़े वाले कॉइल के सेंटर एक्सिस पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। जो हमने छोटा वाला कॉइल लिया ना उसका रेडियस लगभग नेग्लिजिबल लिया है, जिससे ये हो कि इस पूरे कॉइल छोटे वाले कॉइल के अंदर मतलब सेकेंडरी कॉइल के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम ले सके, इसलिए मैंने इसका रेडियस छोटा लिया है इफेक्टिव रेडियस। अगर इसका रेडियस बड़ा लोगे ना तो ऐसा होगा कि एक्सिस पे अलग फील्ड होगा उसके ऊपर डिफरेंट फील्ड होगा, इसलिए मैंने इसका रेडियस नेग्लिजिबल लिया है, जैसे कि इसका जो एक्सिस का फील्ड है वो यूनिफॉर्म फील्ड हम जो निकालते हैं ना एम्पीयर्स लॉ से कॉइल के एक्सिस पे, तो हम मान सकें कि सेकेंडरी कॉइल के हर एक पॉइंट पे वही सेम फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड, बिकॉज इसीलिए उसका रेडियस छोटा लिया हुआ हमने। अब हमको डिराइव करना एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि d∅ dt दैट e2 इज इक्वल टू, हमने अभी जो पढ़ा यहाँ पे ये हमारा वोल्टेज E2 is equal to what? M di1 by dt. E2 is what? Rate of change of flux across secondary coil. That is what the Faraday's law. d∅2 by dt is equal to M di1 by dt. d∅2 by dt is equal to M di1 by dt. Where this phi 2 is what? Rate of change of flux. Is secondary coil ke cross kitna flux change ho raha hai? Yehi hamara Faraday's law hai. EMF induced is equal to rate of change of flux. So what we can add d∅2 by dt is equal to M di1 by dt. Dono side se dt dt cancel ho jayega. So what we can write? Phi 2 is equal to MI1. Yahan dekh sakte hain jo flux hai secondary ke cross that is equal to M into I1. I1 is the current across primary coil. So primary em dt dt maine denominator se cut kar diya. Chalo ye hamara first equation, ye m mujhe find karna hai. अब देखो फाइव टू फ्लक्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, फ्लक्स इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो यहां पे जो फ्लक्स होगा इस सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस, ये जो अंदर वाला कॉइल है वहां पे फ्लक्स क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड वहां पे उसका खुद का नहीं है, इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड खुद का नहीं है, वो किसका मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहा है? प्राइमरी कॉइल का। तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्राइमरी का रहेगा लेकिन एरिया उसका खुद का है, ठीक है? दैट इज व्हाट फाइव टू इज, द फ्लक्स अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द प्राइमरी कॉइल इनटू एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड वो प्राइमरी का यूज कर रहा है, क्योंकि उसके पास तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, वो तो मैग्नेटाइज्ड है नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल का यूज कर रहा है और एरिया किसका यूज कर रहा है? अपना खुद का, बिकॉज इतने एरिया का ही फ्लक्स अपने को लेना है। तो ये जो हम इफेक्ट निकालते हैं ना, जितना मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जितना प्राइमरी का सेकेंडरी पर रहता है उतना ही सेकेंडरी का प्राइमरी पे भी आता है।
लेकिन क्वायल के में ओरिजिनल करंट किसके पास है, जो करंट सप्लाई का करंट है वो प्राइमरी के पास है, तो प्राइमरी सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस करा है, सेकेंडरी प्राइमरी में ईएमएफ नहीं इंड्यूस करेगा। ठीक है, हाँ वैसा भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एरिया में नंबर ऑफ टर्न्स में चेंजेस हो सकते हैं, जरूरी है कि इसका एरिया भी वेरी कर सकता है दोनों का, और नंबर ऑफ टर्न्स भी अलग अलग हो सकते हैं। तो B1A2 इज इक्वल टू व्हाट, फाइ टू। अब पुट कर दो B1 किसका है, इस क्वाइल का, बड़े वाले क्वाइल का एक्सिस पे। तो हमने एम्पीयर्स लॉ में पढ़ा था कि कोई भी अगर क्वाइल है तो वो अपने एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, म्यू नॉट N1I1 डिवाइड बाई L1, L ले ले रहा हूं मैं, इस क्वाइल का लेंथ L ले लिया, ये जो ऊपर वाला प्राइमरी क्वाइल उसका लेंथ है। एम्पीयर्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था ना, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ क्वाइल, दैट इज म्यू नॉट NI बाई L, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पीयर्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ क्वाइल, किसी भी करंट कैरिंग क्वाइल में अगर करंट जाता है तो अपने एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, दैट इज म्यू नॉट NI बाई L, N1 इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स, I1 इज द करंट। बस यही पुट कर दो, आ गया हमारा आंसर। तुम्हारा क्या था, फाइव टू इज वॉट, B1A2 इज इक्वल टू MI1, B1 मैग्नेटिक फील्ड, पहले कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नॉट N1I1 डिवाइड बाय L इनटू एरिया। अब देखो ये जो सेकेंडरी कॉइल है उसका एरिया है दिया हुआ A, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N2, तो ये जो फ्लक्स है वो एक राउंड का है, मतलब एक लूप में एक टर्न में फ्लक्स कितना होगा, B1A2, बट बिकॉज देर आर N2 नंबर ऑफ टर्न्स, एक राउंड में इतना फ्लक्स है तो N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो यहां पे हम N2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज एक सिंगल टर्न में फ्लक्स कितना होगा, B1A2, बट बिकॉज देर आर N2 नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल फ्लक्स इज वॉट N2B1A2 इज इक्वल टू MI1। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हमारा, ये तो B1 मैंने पुट कर दिया, इनटू N2 एरिया इज इक्वल टू व्हाट, MI1, दोनों साइड से I1 काट दो तो आपको M का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, M मिल जाएगा म्यू नॉट, दोनों नंबर ऑफ टर्न्स हैं, N1 N2 A/L, दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन बोथ द टर्न्स, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। अब मतलब एक ही बात, यहां पे एरिया मेंशन कर देना, एरिया इज द एरिया ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल का एरिया है वो। सो एम इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A/L। अब ये ऐसा फॉर्मूला है, अगर इस टाइप से सर्कुलर क्वाइल है तो ये रहेगा, लेकिन ऐसे इसको मतलब हर जगह यही सेम एक्सप्रेशन यूज नहीं होता, बिकॉज अगर स्ट्रक्चर क्वाइल का स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन भी बदल जाता है, बिकॉज ये तो हमने किसके लिए, क्वाइल के लिए डिराइव किया, बिकॉज क्वाइल का मैग्नेटिक फील्ड होता है, बट अगर क्वाइल का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो हर जगह म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम नहीं रहता। हो गया, अब जैसे देखो मैं अगर क्वाइल का स्ट्रक्चर बदल देता हूं तो उसके अकॉर्डिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन अलग आएगा।
ठीक है चलो रब कर रहा हूं। अब देखो यहां पे मैंने क्या लिया, प्राइमरी जो क्वाइल है उसके मतलब एक्सिस पे नहीं, सेकेंडरी क्वाइल से थोड़ा दूर रखा है, यहाँ पे बैटरी है, दिस इज द प्राइमरी क्वाइल इन विच करंट आई वन इज फ्लोइंग। अब जैसे इसमें प्राइमरी क्वाइल में करंट फ्लो करेगा, सेकेंडरी क्वाइल यहाँ पे है, मतलब एक छोटा सा क्वाइल हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, द सेकेंडरी क्वाइल इज ऑफ रेडियस स्मॉलर। अब इन दिस केस यहाँ पे क्या होगा, फील्ड का एक्सप्रेशन अलग आएगा, जब ये क्वाइल इसके अंदर था तो फील्ड का एक्सप्रेशन इसी का फील्ड हम यूज कर लेते थे इसके एक्सिस पे फील्ड, लेकिन अभी क्या एक्सिस से एक्स डिस्टेंस आगे है, जब ये एक्स मतलब ये करंट इट बिहेव्स लाइक ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, ये करंट कैरिंग क्वाइल के जैसा बिहेव करेगा, लेकिन ये वाला जो सेकेंडरी क्वाइल है उसके अंदर नहीं घुसा हुआ है, वो एक्सिस पे बाहर है, तो यहाँ पे फील्ड का एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है। तो अगेन इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा इसे, इसका यहाँ पे फील्ड आएगा एक्सिस पे, तो अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक लाइन्स आएंगी इस क्वाइल का। अब यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा फर्स्ट क्वाइल का, मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, क्वाइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m डिवाइड बाय x क्यूब, ये होता है फील्ड एक्सिस पे, क्वाइल के एक्सिस पे या मैग्नेट के एक्सिस पे फील्ड का एक्सप्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड डॉट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाय x क्यूब या r क्यूब लिख सकते हैं। अब फिर से यहां पे हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है इन दोनों क्वाइल्स के बीच का, इसका रेडियस स्मॉल आ लिया मैंने, तो फिर से अगेन सेम एक्सप्रेशन, E2 इज इक्वल टू व्हाट, m di1 by dt, E2 इज व्हाट, d phi 2 by dt इज इक्वल टू m di1 by dt, सो d phi 2 by dt इज इक्वल टू व्हाट, m di1 by dt, dt dt दोनों साइड से कैंसिल कर दो, सो d phi 2 सो फ्लक्स फिर से वही सेम, phi 2 इज इक्वल टू m i1, पहला इक्वेशन। अब phi 2 हमारा क्या होगा, इस पॉइंट पे जो फ्लक्स है, यहाँ पे जो फ्लक्स होगा phi 2, उसके लिए फील्ड फर्स्ट का रिस्पॉन्सिबल होगा, बिकॉज इसके पास अपना खुद का फील्ड नहीं है, ये किसका फील्ड यूज कर रहा है, फर्स्ट क्वाइल का, प्राइमरी क्वाइल का, तो b1 into a2 एरिया उसका खुद का रहेगा। नंबर ऑफ टर्न्स, अब इसमें सपोज करो अगर नंबर ऑफ टर्न्स n1 है और इसमें n2 है, तो phi 2 में क्या हो जाएगा, n2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड इस क्वाइल का इस पे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाय x क्यूब, ये जो m होता है, हियर m इज नॉट द म्यूचुअल इंडक्टेंस, m क्या था यहां पे, मैग्नेटिक मोमेंट, तो b1 इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m की जगह क्या ले सकते हैं, n1 i एरिया पहले का डिवाइड बाय x का क्यूब। अब इस b को हम यूज करेंगे फ्लक्स के लिए phi 2, तो phi 2 क्या हो गया, n2 b1 a2 इज इक्वल टू m i1, जो हमारा यहाँ पे फ्लक्स है ड्यू टू सिंगल टर्न इट इज b1 a2, बट बिकॉज देर आर n2 नंबर ऑफ टर्न्स, तो टोटल फ्लक्स इज व्हाट, n2 b1 a2 इज इक्वल टू m i1, b1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो ये वाला पार्ट, तो अब यहाँ पे देखो ये खतरनाक सा एक्सप्रेशन आएगा, b1 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट n2 इनटू n2 b1 इज व्हाट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 n1 i1 a1 डिवाइड बाय x का इंटू ए टू इज इक्वल टू एम आई वन, दोनों साइड से आई वन कटेगा बाकी सब कुछ रह जाएगा और कुछ नहीं कटेगा, तो m का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अजीब सा आया, म्यू नॉट अपॉन टू टू कट गया, म्यू नॉट अपॉन टू पाई एन वन एन टू ए वन ए टू डिवाइड बाई एक्स का क्यूब, तो मैंने वही बताया कि हर जगह एक्सप्रेशन सेम नहीं रहता, यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन बदल गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का, क्वाइल का पोजीशन और क्वाइल का स्ट्रक्चर मैटर करता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन हमको मिलेगा, नोट करो इसको। अब जैसे देखो यहीं पे मैं फिर से स्ट्रक्चर चेंज कर दूं, अगर ये कहानी तो हर जगह रहेगी यही, ये कहानी बदलती जाएगी, मान लो सेकंड केस लो, मैं एक रिंग लेता हूं ऐसा और एक यहाँ पे रिंग रखता हूं, ठीक है, इसका जो हमारा रेडियस है कैपिटल आर है और इसका रेडियस स्मॉल आर, और इससे एक्स डिस्टेंस दूर रखा गया है और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है,
ये मतलब जिसमें करंट फ्लो करेगा दैट इज द प्राइमरी कॉइल, तब इसकी वजह से इसका फील्ड यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे म्यूचुअल मतलब यहाँ पे भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा बिकॉज इसकी मैग्नेटिक लाइंस जाएंगी, इसमें करंट चेंज होगा तो इसके क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तब इन दिस केस जो बी वन होगा इसका यहाँ पे फील्ड नंबर ऑफ टर्न दोनों में मैंने वन वन लिया, इसमें भी वन टर्न है इसमें भी सिंगल टर्न, सिंगल लूप है केवल। तो यहाँ पे बी वन की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट आई वन ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ रिंग, कोई सर्कुलर रिंग होता है तो उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ अ रिंग, रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। देखो बी का एक्सप्रेशन बदल गया इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बदल जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ दिस रिंग इज व्हाट, म्यू नॉट आई वन आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। बस बाकी कहानी सेम है, ये वाला तो सब कुछ सेम है। फाइव टू इज इक्वल टू एम आई वन, फाइव टू क्या होगा अब यहाँ पे जो फ्लक्स होगा स्मॉलर कॉइल पे, तो फाइव टू इज व्हाट बी वन ए टू इज इक्वल टू एम आई वन, बी वन की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो गया म्यू नॉट आई वन आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू व्हाट एम आई वन, आई वन एम कट गया तो एम का एक्सप्रेशन यहाँ पे आएगा म्यू नॉट आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर दिस सर्कुलर रिंग। हाँ यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, ए टू मेरा कहाँ चला गया, ए टू में अरे यार क्या लिखते हो, ए टू तो मैं भूल ही गया, ए टू दिया ना यहाँ पे इसका एरिया क्या होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो उसको हम पुट कर सकते हैं। सो दिस व्हाट द म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर दिस केस, तो ए टू की जगह चाहो तो पाई आर पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर भी लिख दो वो भी चलेगा, पाई इंटू हाँ मैग्नेटिक फील्ड बदलता है उसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस बदल जाता है। और हम हमेशा देखो ऐसा ही निकालते जैसे बड़ा वाला रिंग था ना छोटे वाला, तो छोटे वाले में हम निकाल रहे हैं मतलब इन दोनों के बीच में इंडक्टेंस निकालने के लिए हम इसके लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पे जानते हो क्या निकालते हैं बिकॉज एक जो फील्ड आता है ना इस बड़े वाले का जो यहाँ पे फील्ड है वो हम मानते हैं कि ये नेग्लिजिबल साइज का है, तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म फील्ड है। अगर तुम इसका यहाँ पे निकालने जाओगे ना तो यहाँ पे जाओगे इसका रेडियस बड़ा है तो फील्ड कॉन्स्टेंट मिलेगा ही नहीं, इसलिए हम फील्ड को मान के चलते हैं ये छोटा सा स्ट्रक्चर है ना तो इसके हर एक पॉइंट पे फील्ड सेम है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस पूरे रिंग पे। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो चाहे इससे इसका निकाल लो या इससे इसका निकाल बात एक ही आती है, तो हम हमारे लिए आसान यही रहता है कि बड़े वाले से छोटे वाले का निकाल लो, छोटे वाले से बड़े वाले का निकालो वो भी सेम आएगा, लेकिन हम यूज कर लेते हैं बड़े वाले से छोटे वाले का निकाल लेते हैं। जैसे तुम्हारा शादी किसी लड़की से हो या वो लड़की का शादी तुम्हारा हो, एक ही बार होगा ना, या तो तुम्हारी शादी उससे हो जाए या उसकी तुम्हारे से हो जाए, बात खत्म, दोनों को दोनों से शादी करने की जरूरत नहीं। ठीक है तो यहाँ पे m क्या गया म्यू नॉट आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, हमारा 2 है। मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन बदलेगा अलग अलग केसेस में। ठीक है हो गया ना। सो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का कांसेप्ट क्या होता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अक्रॉस प्राइमरी, एक ही कॉइल में हम करंट को चेंज करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल ऑटोमेटिकली अफेक्टेड हो जाता है। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अक्रॉस प्राइमरी, प्राइमरी में हम करंट चेंज करते हैं जिसकी वजह से वो मैग्नेटाइज होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी के एकदम क्लोज में है, तो प्राइमरी के क्लोज होने की वजह से, ऐसा नहीं कि सेकेंडरी कॉइल बहुत दूर है, अगर बहुत दूर होता है तो फिर उसमें इफेक्ट नहीं आएगा, अगर वो पास में आएगा तो बिकॉज प्राइमरी कॉइल इज मैग्नेटाइज तो सेकेंडरी के अक्रॉस ही फ्लक्स पास करेगा, एंड ड्यू टू दैट चेंज इन द फ्लक्स अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल ईएमएफ इज इंड्यूस अक्रॉस दैट कॉइल। तो प्राइमरी का अपना तो सेल्फ इंडक्शन होता है लेकिन जो बगल वाले को भी फायदा हो रहा है, बगल वाले में भी जो ईएमएफ इंड्यूस हो गया दैट इज व्हाट म्यूचुअल इंडक्शन।
तो बगल वाले को फायदा क्यों हुआ? बिकॉज वो प्राइमरी के क्लोज था। हाँ, यहाँ पे ये बात है कि ऐसा नहीं कि सोचना कि प्राइमरी के वजह से सेकेंडरी में ईएमएफ आ रहा है तो ये हमेशा कम ही होगा, ये ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर? तो ऐसा नहीं सोचने का कि प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो सेकेंडरी बेचारा हमेशा कम ही रहेगा, उसकी वैल्यू ज्यादा हो सकती है अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। क्लियर? तो ऐसा नहीं रहेगा कि सेकेंडरी हमेशा ईएमएफ कम ही रहेगा। तुम्हारे ट्यूबलाइट में कोई पढ़ रहा है, तुम्हारा दोस्त, तो जरूर है ना कि तुम्हारा ट्यूबलाइट यूज करके, तुम्हारी बुक यूज करके वो पढ़ा तो पढ़ाई किया तो उसके मार्क्स कम ही आएंगे, उसके मार्क्स तुमसे ज्यादा भी आ सकते हैं अगर वो ज्यादा हार्ड वर्किंग है। ठीक है? तो तुम किसी को अपनी बुक देते हो पढ़ने के लिए और तुम्हारी बुक पढ़ के आगे एग्जाम दिया तो तुम ये बोलोगे कि मेरे बुक से पढ़ा वाला तो कैसे मेरे ज्यादा मार्क्स ले सकता है, तो ऐसा नहीं बोल सकते। बिकॉज हो सकता है वो तुमसे ज्यादा हार्ड वर्किंग हो तो उसके मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। अगर वो तुमसे हार्ड वर्किंग कम होगा तो उसके कम मार्क्स आएंगे। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि भाई जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा थोड़ी ना कि मेरे से तुम्हारे मार्क्स कम ही आएंगे, तुम्हारे मार्क्स मेरे से ज्यादा आ सकते हैं ना, तुम मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड हो सकते हो। ठीक है? तो ऐसा हो सकता है, वो डिपेंड करता है तुम्हारी एबिलिटी पे। अब मैं तो कोई टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है तो जरूर थोड़ी ना कि स्टूडेंट के मार्क्स कम ही आएंगे, स्टूडेंट के मार्क्स टीचर से ज्यादा आ सकते हैं। टीचर ने जितना स्कोर नहीं किया था उससे ज्यादा स्टूडेंट स्कोर कर सकते हैं, वो ज्यादा स्टूडेंट ज्यादा ब्रिलियंट है, टीचर से भी ज्यादा ब्रिलियंट है। टीचर उसको पढ़ा रहा है वो अलग बात है, लेकिन वो बच्चा ज्यादा ब्रिलियंट है तो ज्यादा मार्क्स ले आएगा, ज्यादा अच्छा रैंक ले आएगा। क्लियर? तो म्यूचुअल इंट्रैक्शन में ये नहीं होता कि प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी में इंड्यूस हुआ, जैसे टीचर्स की वजह से स्टूडेंट ने सीखा तो हमेशा उस कम ही नीचे ही रहेगा, ऐसा नहीं है। उस टीचर से भी आगे स्टूडेंट निकल सकता है। अभी मैं ऑटो से चल रहा हूँ, कल को तुम बड़ी सी मर्सिडीज लेके मिले मुझे तो ऐसा हो सकता है ना, तुम मेरे से आगे जा सकते हो। अब इसका मतलब थोड़ा ना मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हारे मार्क्स मेरे से कम ही आएंगे, फिर ऐसा नहीं हो सकता। तुम पढ़ के मेरे से भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो, अपने हर एक सब्जेक्ट के टीचर से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। क्लियर? तो पढ़ाना अलग बात होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे से कम मार्क्स आएंगे, तुम्हारे मार्क्स मेरे से ज्यादा आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे भी होता है कि अगर प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो ये नहीं मतलब नहीं कि सेकेंडरी बेचारा प्राइमरी की वजह से गरीब है, इसमें कुछ था नहीं सेकेंडरी का करंट यूज का, ठीक है वो अलग बात है, लेकिन इसमें ईएमएफ ज्यादा हो सकता है। तुम्हारा कोई गरीब दोस्त है वो तुम्हारी बुक लेके पढ़ रहा है तो ठीक है, वो गरीब है बेचारा, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो अगर इंटेलिजेंट है तो तुम्हारी बुक से ज्यादा नॉलेज गेन कर सकता है, वो तुमसे ज्यादा मार्क्स ले आ सकता है, तो ऐसा हो सकता है। इसमें ऐसा कोई कंडीशन रहता कि सेकेंडरी के क्रॉस जो ईएमएफ होगा वो प्राइमरी से कम ही रहेगा, प्राइमरी से ज्यादा भी ईएमएफ हो सकता है।